बहुत धन्यवाद देता हूँ मैं आदरणीय प्रहलाद जी का कि ये आज ये सभा ऐसा हुआ है कि मुझे अवसर मिला है कि मैं आप लोग के समक्ष वो सब कह सकूँ जो इससे पूर्व पहले कभी नहीं किया। ये आज से 9 वर्ष पहले जो पिक्चर जो अच्छी हो जाए ऐसी नजर आए तो ये हिट हो सकती है। थिएटर ही नहीं मिले क्यों? यह कहा गया कि गोविंदा की फिल्म अच्छी होगी, हम थोड़ी ना सोच सकते थे इसे कहां से थिएटर दे दें, तो उसे मंच ही प्रदान नहीं किया गया। अब यहां तक तो मैं कहा नहीं कभी किसी से, परंतु अब यह हद हो गई कि सेंसर की डेट प्रहलाद जी की फिल्म को मिली ही नहीं, यह तो हद हो गई। अब यह सोचने का विषय है, एक आदमी सह सकता है 2, 4, 3, 4, 5 साल, 9 वर्ष हो गए भाई, क्या है प्रॉब्लम, कहाँ है प्रॉब्लम? और मैं ऐसा क्या हो गया हूँ किसी के लिए कि मैंने किसी के साथ घातपात कर दिया है? मैं ये विषय मेरे समझ में नहीं आ रहा है, मैं इस विषय पे कतई चर्चा नहीं करूँगा। मेरा ये सोचना है कि मुझे मंच ही नहीं दिया जा रहा है, मेरी फिल्में जो हैं वो थिएटर तक पहुंच ही नहीं पा रही हैं। ये तो मैं ऊपर वाले ने मुझ पर कृपा कर दी है, ये ऊपर वाले ने कर्म किया है कि आदरणीय प्रहलाद जी के माध्यम से आज ये समय आया कि मैं आप लोगों के समक्ष ये कह सकूं। मैं बहुत क्षमा प्रार्थी हूं कि मैं इस पिक्चर को लेके पूरा डिस्कस नहीं करूँगा, क्योंकि मेरे पास 9 वर्ष का पूरा लेखा जोखा है। ये ऐसा मेरे साथ वर्षानुवर्ष से क्यों हो रहा है? मैं पॉलिटिक्स से बाहर निकल चुका हूं, मेरे तरफ से किसी के लिए प्रॉब्लम नहीं है, तकलीफ नहीं है, मैं सिर्फ हाथ जोड़े जोड़े घूम रहा हूं। मेरे तरफ से एक गलत शब्द मैं नहीं कहता हूं किसी से। आई थिंक सो, आई हैव स्टार्टेड फीलिंग दैट देयर इज अ प्रॉब्लम एंड देयर आर फ्यू पीपल, दे आर बिहाइंड not providing me the place to act. I'm very sorry for that. And God is there, ऊपर वाला है, और वो बेशक वो किसी के साथ गलत नहीं करता है, और ये लोग जो कर रहे हैं
ये सही ढंग नहीं है, ये तौर तरीका ही नहीं है। जिस वक्त मैं ये क्या डिस्कस करूं आप लोगों से कि इस सिनेमा में ऐसा था, इस सिनेमा में ऐसा था, अरे सिनेमा ही नहीं दिखा रहे हैं, फिल्म तो दिखाइए है।